पर रह गई तोड़ती दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। मुबारक हो। दाई अम्मा। बेटा पैदा हुआ है बेटा। शुक्र है। दाई अम्मा, दोनों खैरियत से तो हैं। बिल्कुल माशाल्लाह, दोनों सेहतमंद। अच्छा फिर गजब हो गया। पटेल सिजावल को पता चल गया कि तुम लोग यहाँ रहते हो। वो अपने बंदे लेके यहाँ निकल पड़ा है तुम लोगों को मारने के लिए। तुम फौरन अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलो। भाई तू नूरा को अपने साथ ले जा। इस सालम पटेल का उस पर साया भी ना पड़े और बच्चे को नहीं बचा लो। अगर अदा भजाई तो ठीक से चल भी नहीं सकती, इस हालत में इसको मैं कैसे ले जाऊं? मर जाए तो कोई भी गम नहीं, इस बच्चे को बचाना है। तेरा भाई बड़ा जालिम है, वो हमको मारने के लिए निकला है, वो हम सबको जिंदा दफन कर देगा। मैं इस बच्चे को लेकर अपने साथ निकलता हूं, तू नूरा को अपने साथ लेकर जा। फिरोज, वो मेरा भाई है, वो मैं इस हाल में देख के कुछ नहीं कहेगा, मैं सब संभाल लूंगी। भाई तो बहनों के मुहाफिज हुआ करते, वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। तू बच्चा मुझे मजबूर करो। मैं मजबूर हूँ,
नूरा, हम मर जाए तो कोई गम नहीं, मगर इस बच्चे को, हमारे बेटे को बचाना है। मैं इसको किसी के हवाले कर दूंगा। खुदा हाफिज। अजय, 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 अपने आप को संभाले भाई। मेरा बच्चा। आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, वो सलामत रहेगा। नहीं अजय, मुझे मेरा बच्चा ला कर दो। अजय, अब यहाँ से निकलने की करें, बच्चे को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। भाजाई भाजाई, खुद को संभाले। वो साले मार जाएगा, मार डालेगा हमें। चले आप मेरे साथ चले, चले। भाग गया। मुझे नहीं पता ये लोग कौन है, मैं नहीं जानती। इसीलिए पढ़ाया लिखाया था ताकि हमारी वो इज्जतों को उछालती फिरती रहे।
कम से कम उसको ये सोचना चाहिए था कि हमारी जात क्या है और वो अब हम बिरादरी को क्या मुंह दिखाएंगे। बस अब उसका एक ही हल है कि हम उसकी जल्दी शादी करवा दें। किसके साथ मकू का रिश्ता हो रहा है बाबा? इसके साथ कौन शादी करेगा? तुम्हारा, तुम करोगी। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। अरे लाली, आजकल तुम नजर क्यों नहीं आती?
यार क्या करूं, आजकल किसी काम में दिल नहीं लग रहा। फिर कोई पैसों का मसला हो गया? तुम्हें तो पता है बाबा के लिए हुए कर्जे ने हमें कहां से लाके कहां खड़ा कर दिया है। ना ये कर्जा खत्म होता है ना ये सूद खत्म होता है। मुझे तो लगता है किसी दिन हम खत्म हो जाएंगे। परेशान मत हो, अभी जरूरत है तुझे तो तू मुझसे ले ले। कितना लूं तुमसे? तुम भी तो अपने अम्मा बाबा के लिए नौकरी करती हो, उनके लिए कमाती हो, रोज रोज तुमसे लेना अच्छा नहीं लगता। अरे यार तू परेशान मत हो, कुछ ना कुछ कर लेंगे। चल अब चलते हैं, आ जा। हमने उसको इसीलिए पढ़ाया लिखाया था ताकि हमारी वो इज्जत को उछालती फिरती रहे। कम से कम उसको ये सोचना चाहिए था कि हमारी जात क्या है। और वो अब हम बिरादरी को क्या मुंह दिखाएंगे? बस अब उसका एक ही हल है कि हम उसकी जल्दी शादी करवा दें। इतना जल्दी रिश्ता मिलेगा कहां और कैसे होगा? हम तो कर्जों में डूबे हुए हैं। मैं सजावल साईं के पास जाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा, पांव पड़ूंगा, वो कुछ ना कुछ मदद करेगा। लेकिन किसके साथ, कौन इतना जल्दी रिश्ता करेगा? हम मक्कू के साथ रिश्ता करेंगे। और वैसे ये बचपन में खेलते कूदते रहे और मेरा ख्याल है कि मक्कू को भी इतराज नहीं होगा। यू मक्कू, किसके साथ मक्कू का रिश्ता हो रहा है बाबा? इसके साथ कौन शादी करेगा? तुम्हारा, तुम करोगी। बाबा, तुझे इस दिन के लिए पढ़ाया था कि तू हमें जलील करती फिरती रहो और तू अभी तक उस नीच जात वाले के साथ। आप किस दौर में जी रही हैं अम्मा? और ये कैसा फैसला है? बाबा, अम्मा, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, मैं अंग्रेजी स्कूल की टीचर हूँ, मैं दुनिया को समझती हूँ, लेकिन अब जो आप ये सोच रखते हैं ये फरसूदा है बाबा। देखा काका, अब आप फरसूदा हो गए। बड़ी अच्छी परवरिश की आपने अपनी बेटी की। वाह, बस अब फैसला हो चुका है, तुम्हारी शादी मक्कू के साथ होगी। बाबा, ये आप क्या कह रहे हो? ये मक्कू नहीं बाबा, नहीं, आप ऐसा फैसला नहीं कर सकते हो बाबा। बस अब कुछ मत कहना, फैसला हो गया। पटेल के बेटे हैं छोटे साईं, आप पे बर्ताव जेब नहीं देता कि आप गांव की लड़कियों को इस तरह से तंग करें, यह आपकी शान के खिलाफ है। हमारा शान और मान तो यही है
कि तुम्हारी जैसी हसीना हमारे इर्द गिर्द रहे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। बेटी की तनख्वाह पर तो पल रहे बाबा, कुछ सोचो ना। साईं, मुझे पता है कि आप कर्जा दिलवा सकते हो। मेरी बेटी की शादी है, कुछ दिन रह गए हैं। जमीन पे चलने वाले परिंदे को पकड़ने के लिए दाना डाला जाता है। अभी तो मैंने दाना डालना शुरू किया है, आगे आगे देख क्या करता हूँ। यार सारंग, वो है तो तेरे कामदार की बेटी, तेरे नौकर की बेटी, तेरे से दूर थोड़ी जाएगी। तुम शिकरे बन जाओ, एक ही बार में उसको दबोच लो। ओ घूट जिंदगी, आप पटेल के बेटे हैं छोटे साईं, आप पे बर्ताव जेब नहीं देता कि आप गांव की लड़कियों को इस तरह से तंग करें, यह आपकी शान के खिलाफ है। हमारा शान और मान तो यही है कि तुम्हारी जैसी हसीना हमारे इर्द गिर्द रहे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। वैसे तुम्हारे बड़े पर निकल आए, वो तो तुम एक नौकर की बेटी, हमारी दासी, फिर इतने नखरे किस लिए? दासी हूँ छोटे साईं, पर इज्जत और एहतराम के दायरे में। आप जिस तरह के ख्वाबों और ख्यालों में रहते हैं ना छोटे साईं, ये बड़े साईं को भी अच्छे नहीं लगते। हम जैसे गरीबों पे आपका ये रोब अच्छा नहीं लगता। यही रोब तुम्हें एक दिन मेरे पास लाएगा। वैसे तुम मेहरबानों के पास चक्कर नहीं लगा रही, पूछती है तुम्हारा। इज्जत से बुलाओगे ना छोटे साईं, तो परीक्षा दौड़ी चली आएगी, और मेहरबानों की संगत में तो परीक्षा रोज हाजिर होती है। कुछ लम्हों का सहारा और संगत ही तो चाहती है, और हम भी यही आरजू रखते हैं, पल दो पल के लिए आ जाया कर। छोटे साईं, शिकायत हो जाएगी आपकी, आप ऐसी बातें ना करें। तू तो खामोशी हो जा मास्टर नी, तेरे सारे रंग पता है मुझे, बड़ा प्यार व्यार जानती है। तो सिखाना अपनी सहेली को अपनी रूह की उंगलियों से मेरी रूह को छू कर देख ले, मेरी शिद्दत का पता चल जाएगा। छोटे साईं, आपकी इन बातों को बाबा को पता चलेगा ना, तो वो बड़े साईं को शिकायत लगा देंगे। अपने आप को संभालें और अच्छा बनकर रहें। परीक्षा तो तू बना देना मुझे अच्छा, मैं तो अच्छा बनने की प्यास लिए फिरता हूँ।
चलो परीक्षा, चलते हैं अब। आपकी मदद की जरूरत है, मुझे थोड़ा सा कर्जा चाहिए साईं। अरे बाबा, तुमने अब तीन बार तो कर्जा ले चुके हो, अब मैं पटेल से बात करूं कि चौथी बार तुम्हें कर्जा दे तो वो कैसे देगा बाबा? अरे बाबा, अब तेरे पीछे रह ही क्या गया है? बेटी की तनख्वाह पर तो पल रहे हो बाबा, कुछ सोचो ना साईं। कुछ भी करो साईं, मुझे पता है कि आप कर्जा दिलवा सकते हो। मेरी बेटी की शादी है, कुछ दिन रह गए हैं और ये मेरे हाथ खाली है साईं। तुम्हारी तरफ और पटेल साईं की तरफ देख रहे हैं। मैं पटेल को राजी करने की कोशिश करूंगा कि तुम्हें चौथी बार भी कर्जा दे, मगर बात यह है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना ही पड़ेगा। साईं, मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय आश्रय के। मैं समझता हूँ पटेल साईं भी नाराज है साईं, पिछला कर्जा भी मैंने नहीं चुकाया, और अगर मेरी बेटी की शादी नहीं हुई तो बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी, मैं किसी के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा साईं। अरे बाबा, अल्लाह बड़ा कारसाज है, तुम फिक्र न करो और बेटी की शादी का बंदोबस्त करो। मैं पटेल साईं से बात करने की कोशिश करूँगा, उसे राज़ी करने की कोशिश करूँगा। सही, वो कर्जा देने में राज़ी हो जाएंगे? मैं पटेल को एतमाद में लेने की कोशिश करता हूँ। सही, तुम पे ही आसरा किया हुआ है। खैर है बाबा, अल्लाह बड़ा कारसाज है बाबा, वो मुश्किलों से निकालता है, वही मालिक है। अब तो जा, घर जा। साईं, खुदा आपको खुश रखे, मैं ज़िंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। अरे बाबा, बस दुआओं में याद रखना, ठीक है? मेहरबानी सर। यार, कितनी गंदी ज़हनियत का है ये पटेल का बेटा। तू इसको छोड़, ये बता मैं क्या सुन रही हूँ तेरा, ये क्या चल रहा है? यार वही ऊंची जात और नीची जात, बाबा प्रकाश को तस्लीम नहीं कर रहे और मैं प्रकाश के सिवा किसी और का सोच भी नहीं सकती। किससे कर रहे हैं तेरा रिश्ता? भाड़ में डाल इस बात को, तू चल। अब तू क्या करेगी, अपने घर वालों से लड़ पड़ेगी क्या? मोहब्बत ही तो लड़ना सिखाती है। ये निशाना भी नहीं लगा। तुमसे जमीन के पक्षी तो फंसते नहीं, आसमान पर उड़ने वाले पक्षी कैसे निशाने पे आएंगे? जमीन के परिंदों पे अभी निशाना बांधा कब है? अब
अभी तो उनके हुस्न का सुरमा अपनी आंखों में पहन रहा हूँ। पूरी उम्र तो उनकी खूबसूरती का सुरमा आंखों में लगा के नहीं रखोगे ना। भला शिकार करके पखी को पिंजरे में ही रख ले। मलार, तुझे तो पता है जमीन पे चलने वाले परिंदे को पकड़ने के लिए दाना डाला जाता है। अभी तो मैंने दाना डालना शुरू किया है। आगे आगे देख क्या करता हूँ। यार सारंग, वो है तो तेरे कमदार की बेटी, तेरे नौकर की बेटी, तेरे से दूर थोड़ी जाएगी। तुम शिकरे बन जाओ, एक ही वार में उसको दबोच लो। भला इतनी जल्दी क्या है, दबोच लेंगे, बन जाएंगे शिकरे। तू सबर तो कर। सुष्मिता मेरी अच्छी सहेली है, ये उसके साथ ज्यादती है। वो किसी ऐसे वैसे लड़के के साथ कैसे जिंदगी गुजार सकती है? क्या कमाल का हुस्न है। अरे बेवकूफ, इनके हुस्न में सादगी है। देख तो सही कैसी हरन की तरह चल के आ रही है, ठुपक ठुपक। लेकिन सर, इसके लिए तो फीड बनाना पड़ेगा। हाँ, तो तुम्हारे लिए क्या इशू है भाई? सर, आपसे पहले भी शेयर किया था, मैं फील्ड में नहीं जा सकता क्योंकि मैं शहर नहीं छोड़ सकता। तुम जिंदगी की वो दीवार हो जिसके साये में बैठना जैसे किसी दरगाह पे सिजदा करने के बराबर है। ये फिल्मी बातें छोड़ो, अब करना क्या है? वही जो हमें करना चाहिए। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। बेटियों को ब्याहने में बेचारे वालदेन को कितनी तकलीफें उठानी पड़ती है ना, कितने कशाले काटने पड़ते हैं, ये आज मैंने देखा है। हाँ, ये दस्तूर है, रीत भी है। कल तुम्हें भी इस फर्ज को पूरा करना है। कौन माँ बाप चाहेंगे बेटी अपने घर की ना। हाँ, बस अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे। आज मैंने केवल को बहुत ही बेबस पाया, मुकम्मल वो कर्जे में डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी कर्जा लेने के लिए कह रहा है। बेटी की शादी है ना, पैसे तो उसे चाहिए। क्या अदे केवल ने बेटी का रिश्ता कर दिया? शुक्र है, बहुत अच्छा हुआ। भला लड़का कमाता करता है या अजय केवल ने सिर्फ जात बिरादरी को देखा? मुझे लगता है कोई मसला है जरूर, तभी तो केवल अपनी बेटी की शादी जल्दी कर रहा है ना। और अगर बेटी की शादी कर रहा है तो जाहिर है उसने कोई लड़का वगैरह देखा होगा, और जो लड़का देखा होगा वो भी अच्छा ही होगा। और सोने पर सुहागा ये कि उसकी बेटी नौकरी वाली है। पटेल से कर्जा लेने के लिए कहा क्या केवल ने? ये क्या बात हुई बाबा, ये गलत बात है। जिंदगी जिसको गुजारनी है फैसला भी उसी के इख्तियार में होना चाहिए। सुष्मिता एक अच्छी और सुलझी हुई लड़की है, उसे अपनी मर्जी से शादी करनी चाहिए। अरे बाबा, तो फिर तुम बताओ हम क्या कर सकते हैं? ये तो उनका मसला है, हमारा क्या है? बाबा, आपका इख्तियार है तो आप उसको किसी की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, अच्छी सलाह भी तो दे सकते हैं। लो सुन लो बाबा, मेरे इख्तियार में सिर्फ पटेल को सुनना है और बस। वैसे
हम क्यों पराए मसले पे अटके हो गए? नहीं अम्मा, सुष्मिता मेरी अच्छी सहेली है, ये उसके साथ ज्यादती है, वो किसी ऐसे वैसे लड़के के साथ कैसे जिंदगी गुजार सकती है? अच्छा बेटा, अब छोड़ो भी इन बातों को, मुझे ये बताओ कि मेहरबानो बीबी तुम्हारी बातों से खुश तो हुई ना, नाराज तो नहीं हुई ना? बाबा, उसको तो बस अच्छी दोस्त चाहिए थी जो उसके लिए मैं हूँ। तेरे बाप के खुदवाए हुए कुएं पे क्या गांव वालों ने अपना हक जता दिया है क्या? या तूने कोई गुड़शुड़ मिलाया है पानी में? जो सारी औरतें इधर आ रही हैं। बात सुन, मेरे बाप ने तो नेकियां कमाई थी, चल अपन मिले की कमाए। तो फिर क्या ख्याल है, इन नेकियों को नजदीक से देखा जाए? ठीक है, लेकिन यार क्या कमाल का हुस्न है। अरे बेवकूफ, इनके हुस्न में सादगी है, देख तो सही कैसी हरन की तरह चल के आ रही है, ठुपक ठुपक। वैसे ये सादगी हमको नहीं मिली, और तू भी ना खामखा नाम का वकील है। मुझे कहता है कि तू भी खामखा का वकील है, तो तू कौन सा वजीरे खजाना है? अरे कड़का है। अरे यार तो फिर छोड़ ना, चल फेंक किसी पे जाल, एक अपने लिए और एक। चल फिर जाल फेंकते आओ। तुम्हें ये पता है कि मैंने तुम्हें आज क्यों बुलाया है? नहीं सर, प्लीज़ आप बता दीजिए। तुम्हारे इस साल के पूरे एस्थेटिक्स फिगर देख कर लगता है कि तुम ऑपरेशन साइड देखोगे। लेकिन सर, इसके लिए तो फीडी बनाना पड़ेगा। हाँ, तो तुम्हारे लिए क्या इशू है भाई? सर, आपसे पहले भी शेयर किया था, मैं फील्ड में नहीं जा सकता क्योंकि मैं शहर नहीं छोड़ सकता। लेकिन आशीर, ये मैनेजिंग डायरेक्टर डिसीजन है कि तुम्हें अब जाकर फील्ड को देखना, और तुम्हारी एक्सपर्टीज वहाँ काम आएंगी तो इदारे को बेनिफिट होगा इससे। तुम अब नए प्रोजेक्ट भी संभालो। ओके सर, जो मैनेजमेंट का। भाई, तुम्हारे लिए गुड न्यूज ये है कि तुम्हें प्रमोट किया गया है, तुम अब पूरी एक रीजन को लुक आफ्टर करोगे। क्या बात, तुम खुश नहीं हुए? सर, मेरा फ्यूचर इसमें ब्राइट रहेगा, मैं बिल्कुल खुश हूँ, एंड आई एम श्योर मैं आपकी तवक्कात पे पूरा उतरूंगा। गुड यंग मैन, मुझे पता था। उसकी वजह यह है कि इस पूरे इदारे में तुम्हारी जैसी प्रोफेशनल अप्रोच है वो किसी के पास भी नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी। सर, मुझे इजाजत है। विश यू गुड लक। थैंक यू। अरे बात सुनो, जब भी तुम्हें जरूरत हो तो आ जाना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। वजीर, तू देर से आया, कवे उड़ गए। हाँ, वो तो मैंने तुम्हारे कवे उड़ते हुए देख लिए। वैसे यार वकील, तू है बड़ा नसीब वाला। यार, ये तो सब मेरे बड़ों का कमाल है जो कुआं छोड़ के गए, सारी जरूरियात मेरी पूरी हो जाती है। हाँ।
इस जुती ने हमें ऐसी चौखट पे लाके खड़ा कर दिया प्रकाश, कि अब हमें हमारी जिंदगी के लिए बेहतर फैसला करना होगा। तुम ही तो मेरी बेहतरी हो सुशी, तुम इस सहराओं में वो अकेला दरख्त हो जिसकी छाँव में मैं जिंदा रह सकता हूँ। तुम जिंदगी की वो दीवार हो जिसके साये में बैठना जैसे किसी दरगाह पे सिजदा करने के बराबर है। ये फिल्मी बातें छोड़ो, अब करना क्या है? वही जो हमें करना चाहिए। प्रकाश, तुम जो भी कदम उठाओ, जैसा भी कदम उठाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। चल सकोगी? जहां तक तुम्हारे कदम ले चलेंगे। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। जिंदगी मुझे गुजारनी है, मैं शादी वहीं करूंगी जहां मैं चाहती हूँ। आप मुझे क्यों ऊंच नीच और रस्म और रिवाज की आग में भेद चढ़ा रही हैं? क्या मुंह दिखाया? क्या हुआ, क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? बताओ उसे क्या हुआ? अरे हमारी इज्जत लेकर भाग गई। दिल तो करता है तुझे मैं जिंदा दफन कर दूं। कहा था ना मैंने तुझे, कहा था ना तो छोरी को मार दे। पटेल सजावल के गिरफ्त से भला आज तक कोई बच सका है? जा, जाके शमशान घाट देख, लग पता जाएगा। मार दिया तुम लोगों ने उसको। जोगी रम का भला जो घूंट जिंदगी।